दोस्तों, कुंडल न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। पाइपलाइन मार्ग पर गांव भिक्कनपुर के सामने नगर निगम का डंपिंग ग्राउंड हटाने के लिए ग्रामीण करीब 6 माह से जन आंदोलन यात्राएं व धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डंपिंग ग्राउंड नहीं हटा है। वहीं नगर पालिका के अधिकारी व कर्मचारियों की लापरवाही से पाइपलाइन मार्ग स्थित एकलव पब्लिक स्कूल के सामने अवैध रूप से कूड़ा डाला जाता है, जिससे में डंपिंग ग्राउंड बनाने की तैयारी चल रही है। स्कूल में जो छात्र हैं वे बीमार होने की आशंका है, बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है, वहाँ पर बदबू फैली रहती है। बता दें कि मुरादनगर नगर पालिका का डंपिंग ग्राउंड गंग नहर पर स्थित है, लेकिन कर्मचारी वहाँ पर डंपिंग ग्राउंड में कूड़ा नहीं घेर कर पाइपलाइन एकलव्य स्कूल के पास घेर कर चले जाते हैं। प्रधानाचार्य ने इसकी शिकायत जिला अधिकारी से की है। एकलव्य पब्लिक स्कूल के प्रबंधक सतपाल चौधरी का कहना है कि नगर पालिका में कई बार शिकायत कर दी, लेकिन फिर भी कर्मचारी कूड़ा घेरने से बाज नहीं आ रहे हैं, ना ही आज तक वो कूड़ा उठाया गया है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही यह कूड़ा गिरना बंद नहीं हुआ तो वह बच्चों के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे।